पहले आप केक लाते और मेरे साथ एक लड़की है, इसका मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। जहाँ भी दिखाया मैंने दे रहा हूँ। और हम मुझे हमेशा लाइक कमेंट्स में आता है कि लाइक आपके पापा कहाँ है। पापा यार वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से खैरियत से। और आप लोग सोचोगे मैं इतनी रेडी क्यों हुई हूँ, बिकॉज आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम सारे वहीं जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड भी, वो भी वहीं पे ज्वाइन करेगी, बाकी फ्रेंड्स भी, तो हम जा रहे हैं वहीं। और तो चलते हैं, फिलहाल मिलती हूँ आगे रास्ते में आप सबसे। मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या लेकर जाऊँ गिफ्ट, तो अब मैं सोच रही थी मैं केक ही लाती हूँ नॉर्मली, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या लाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब लाइक ईजीएस्ट थिंग है वो यही है केक लाना, तो मैं केक ही लाऊंगी अभी आगे रास्ते में। तो चलते हैं फिलहाल। तो गाइस मैं यहाँ पे एक घंटे से वेट कर रही हूँ और अभी तक जिसके सामने जाना है और वो अभी तक नहीं आई है और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। तो गाइस सनी ने हम निकल चुके हैं और आगे रोना फिर वेट कर रही है, तो अब चलते हैं, मिलते हैं वहीं पर जहाँ हमें जाना है। वहाँ मैं एक बार गई हूँ, ब्लॉग में दिखाया भी है। अब क्या करें, उनका प्लान होते थे तो उठी जा रही हूँ दोबारा। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे और हम पहले आप केक लाते हैं और मेरे साथ एक लड़की है, इसका मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। जहाँ भी दिखाया मैंने दे रहा हूँ। फाइनली अब हम जाते हैं यहाँ केक लाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे केक नहीं मिला इसलिए अब हम केक नहीं ला रहे और हम डायरेक्ट पूछ रहे कैफे अबाबी। अब हम चलते हैं इधर, चलो आ जाओ। सारी ले आ चुके हैं अंदर, हम देखते क्या खाएंगे हम। यहाँ पे घंटा हो चुका है हम वेट कर रहे हैं और अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं आया। अब हम फोटोज उठा रहे हैं, हमारे पास और कोई चांस नहीं है कुछ करने का। आ चुका है हमारा ऑर्डर। हमारा और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और हम डायरेक्ट जाते हैं घर, या अगर लगा रास्ते में कहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मूड हो चुका है ऑफ, मेरा सर दुख रहा है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अंदर। मैंने अंदर आते वक्त शूट नहीं किया बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई। हम ये स्कूटी पे थी, मैं बहुत ही ज़्यादा ठंड थी एंड अब इफ़ाम के लिए मैं कुछ ला भी नहीं पाई, क्योंकि मतलब मैंने कहा ना बहुत ठंड थी, मैं उतर ही नहीं पाई कहीं पे, इसलिए अब मैंने इफ़ाम को बोला करो तुम कुछ ऑर्डर फिर मैं पैसे दूंगी। अब देखते इफ़ाम के ऑर्डर करेगा, उसे क्या करने वाली ऑर्डर। तो गाइस इफ़ाम ने किया शोरमा ऑर्डर और मैं चढ़ती हूँ ऊपर। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि ठंड बहुत है बाहर। ऐसे तो बाहर धूप लगती है बट यू नो ठंड बहुत है। तो गाइस फाइनली कर लिए मैंने कपड़े वपड़े चेंज और अब मैं आ गई हूँ अपने ओन स्टाइल में, जो मेरा होता है घर पे उसी में। और अब मैं जाऊँगी नीचे, देखती हूँ अगर ऑर्डर आया तो कुछ खाते हैं पहले। ऐसे मैं बाहर से भी खा के आई बट मुझे बिरयानी वहाँ की अच्छी नहीं लगी बिकॉज मैं अंडा डाला हुआ था, मैं अंडा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ऑर्डर नहीं अभी है, ऑर्डर का तो पता नहीं बट ज़रूर चाय मैं ज़रूर पीऊँगी। आ चुका है हमारा ऑर्डर, लाए मेरे शोरमा फार्म के वो और ये हमारे, चलो खाते हैं। तो गाइस शोरमा हमने खा लिया और शोरमा जैसा इतना क्या बोलूँ मैं, मतलब अच्छा था वो बट उसमें इतना ज़्यादा गार्लिक डाला हुआ था ना, इवन मतलब लाइक मम्मा तो खाती है ये चीज़, मम्मा तक ने बोला कि मुझे लगता है कि मैं चाय बनाती हूँ ताकि थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि इतना गंदा लगा मुझे वो शोरमा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ से मम्मा चाय बना रही है, अब हम चाय पियेंगे डायरेक्ट। मैंने कोल्ड ड्रिंक लाई थी वहाँ से साथ, लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं बीमार हो जाऊँगी। तो गाइस फाइनली हमारी चाय हो चुकी है रेडी और ये रही हमारी रोटियां। तो हम देसी लोग हैं तो हम यही रोटियां खाते हैं घर की, हम बाहर से रोटी नहीं लाते बिकॉज हमें बाहर की रोटियां पसंद नहीं है। तो हम पीते चाय और वहाँ से मम्मा बाकी चीज़ अभी भी तैयार कर रही है, कुछ वही ना रोटियां ही तैयार कर रही है पापा के लिए, शाम के लिए पापा। और हाँ मुझे हमेशा लाइक कमेंट्स में आता है कि लाइक आपके पापा कहाँ है। पापा यार वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ऑफिस जाना होता है उनको, वो दिन मैं दिन में व्लॉगिंग करती हूँ तो लाइक वो कहाँ आ सकते हैं व्लॉग में। हर बार मैंने ऑलरेडी लाया है उनको व्लॉग्स में, तो आप देख सकते हो मेरे पुराने व्लॉग्स, तो उनमें पापा आए हैं। जैसे मैं बाहर गई थी, बाहर पे जब मैं जम्मू कुठ वगैरह गई थी तो पापा वहाँ पे हमेशा होते थे व्लॉग्स में, क्योंकि मतलब वहाँ पे मतलब वो फ्री थे, उनको ऑफिस वगैरह नहीं जाना होता था, लेकिन यहाँ पे उनको ऑफिस जाना होता है, सुबह जाते शाम को आते। अब कहाँ मैं उनको बोल के पहले तो मेरे आप मेरे व्लॉग में आ जाओ, तो पापा जो है वो ऑफिस जाते हैं दिन में, इसलिए मैं उनको नहीं लाती हूँ व्लॉग में दिन में।
तो गाइस मैं आज कर रही हूँ अब दूसरे दिन व्लॉग शूट। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलना भूल ही गई, लाइक मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लाइक आपकी इंस्टा आई डी कहाँ है, क्या है, आपने दी नहीं है। कितनी बार यार मैं बोलूँ कि मैंने दी हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं देती रहती हूँ उसका, आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे को फॉलो कर सकते हो जिसको करना हो। अगर फॉलो नहीं, जो भी DM करना है कुछ भी किसी रिगार्डिंग, आप वहाँ पर जाके कर सकते हो। बट अब मैं कहाँ से वो, अब मेरे को लग रहा है मुझे वीडियो में डालना पड़ेगा साइड में छोटा सा वो बना के, तो अब मैं वही करूँगी। मैं बाई को आज बोलूँगी एडिटिंग करते वक्त ये करना। तो वैसे फाइनली मैं आ चुकी थोड़ी देर के लिए बाहर, मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ बिकॉज मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज अंदर बैठ के थोड़ा तंग आ चुकी हूँ। तो मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी मतलब, और थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैंने कल का व्लॉग अभी एंड नहीं किया है। क्या ही करूँ ना, लाइक पढ़ाई की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टक हुई हूँ। वरना इस बार मेरी मामू ने कुछ टाइम पहले लाइक ऑलमोस्ट 10 दिन पहले उन्होंने गाड़ी लाई, तो फिर उन्हें कहा था कि हम जाएंगे बाहर, तो वो तो गए खुद। अब उन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था, चलो भाई यार नहीं इस बार जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, नहीं गाड़ी में जाएंगे, चलो आ जाओ आ जाओ। तो फिर लेकिन क्या है ना कि मैं पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाई, वरना मैं आपको अच्छे से वहाँ पर व्लॉग वगैरह शूट करके हम मतलब अच्छे अच्छे जगहों पर जा सकते थे, क्योंकि वो तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। वो व्लॉग देखेंगे भी तो ओबियसली वो मुझे दिखाते रहते हैं हर शाम को, उनका वीडियो कॉल आता है और बोलते हम यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, कभी बोलते हैं परसों कहाँ बोलते हैं चंडीगढ़, बीच में चंडीगढ़, बीच में कहीं चले जाते हैं। तो वो तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ उन सबको। चलो कोई बात नहीं, वो आएंगे वापस, मैंने उनको बोला कि आप लोग वापस आओगे फिर मैं जाऊँगी, लाइक वो फैब में वापस आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगी इंशाल्लाह फिर। तो वैसे मैं लास्ट टाइम ही गई थी लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी बिकॉज मैं उस टाइम पे स्टडीज़ के रिलेटेड वहाँ गई थी। तो इंशाल्लाह इस बार जब जाऊँगी तो अच्छे से जाऊँगी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई का बोर बर्तन ही छोड़ के जाऊँगी, जो ये पढ़ाई का बोझ इतनी में ख़त्म करके जाऊँगी, बिकॉज वहाँ पर फिर इंसान अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाता है। लुधियाना में तो मैंने बिल्कुल व्लॉग ही नहीं बनाया, मैं आज सोचूँ मैं अगर गई थी तो चलो बनाना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मिस की, जो मैंने दिखाई ही नहीं आप लोगों को। क्यों नहीं दिखाई, बिकॉज मैं उस टाइम पे डिस्टर्ब थी बाकी चीज़ों में, जैसे पढ़ाई वगैरह में तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक दिन हम लोग होते थे कुठवा में, एक दिन हम कहीं होते थे, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था हम कर क्या रहे थे खुद भी, बिकॉज हमने सोचा खाली जम्मू तक का, फिर हम वहाँ वहाँ घूम रहे थे, कुछ भी पता नहीं है कि क्या होता है, क्या लिखा होता है ऊपर वाले ने, हम किस वे से घर से निकलते हैं, फिर हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह अच्छी व्लॉगिंग जो है वो आपको मई के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल तो मुझे कॉन्टेंट क्या ही मैं बनाऊँ बाहर, अंदर क्या ही मैं बार बार आपको घर में दिखाऊँ। तो गाइस अब बातें भी बहुत ज़्यादा होगी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब मैं जाती हूँ फिलहाल अंदर और मैं पढ़ती हूँ और मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही मैं आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। दोबारा नहीं कहना कि मैंने आईडी नहीं दी, क्योंकि मैंने दी है आईडी।